इतना ठंड है कि हाथ भी बाहर नहीं निकालने का मन नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, जर्मनी में है हम लोग। सुबह का सुबह बहुत ही सुंदर है, पूरा ब्राइट सनी डे है और मैं भी आज कुछ ज़्यादा ही ब्राइट कपड़ा पहन रखी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ज़्यादा तैयार वैर होके अच्छे से ड्रेस कर, पर इतना ज़्यादा ठंडा है कि अभी आप देख रहे ना ऑलरेडी मैं इनर पहनी हुई हूँ, शर्ट कोट, फिर ये हाथ में फिर टोपी भी है, मफलर भी है, सब ग्लव्स भी है, सब कुछ पहन के बस निकलने वाले हम लोग। तो मैं सोची चलो ये गुड मॉर्निंग तो बनता है जर्मनी से। कल मैं बेटा से मिली, बहुत अच्छा लगा, उसका लाइफस्टाइल देख के, उसका प्रोग्रेस देख के हम लोग बहुत खुश हुए। बट अभी और भी मिलना है बेटा से, उसका चूँकि एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं मिल पाए, थोड़े देर का विजिट था। बट हाँ अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने, फिर प्लान करेंगे जल्दी से उसको विजिट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं हम लोग पूरा ओवर ड्रेस्ड अप है, इतना ठंडा है कि मुझे ब्लॉगिंग भी नहीं बना पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे। और अभी हम लोग बर्बन से हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग जा रहे हैं डिसलडॉर्फ। सो वी आर गोइंग डिसलडॉर्फ, इट्स माय फेवरेट प्लेस एंड सिटी। और पूरा जर्मनी को एक्सप्लोर करना है क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे है और मैं फिर मिलने वाली हूँ। ट्रेन को आने में एक घंटा लेट है, जब तक हम और आज बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, ठंड का मजा ले रहे हैं। बस हमारा ट्रेन आने वाला है। गाइस हम लोग दो घंटे से प्लेटफॉर्म पे ही हैं, ट्रेन पे बैठे नहीं क्योंकि ट्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम होता है, देश विदेश, अब जर्मनी में भी इतना हाई टेक्नोलॉजी होने पे भी यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इंडिया में तो एटलीस्ट ये फ़ायदा होता है कि मूँगफली वाला और चाय नाश्ता वाला प्लेटफॉर्म पे आता भी है बेचने के लिए। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं पूरा शांत है माहौल, बट एक भी पैसेंजर यहाँ पे हल्ला गुल्ला भी नहीं कर रहे हैं, आराम से कूली से बैठे हुए हैं। हम लोग वेट करें कि कब ये ट्रेन स्टार्ट होगा। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे था जर्मनी में, सो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आज काफ़ी ब्राइट सनी डे भी है यहाँ पे। फाइनली हमारा ट्रेन चल पड़ा। कितना सुंदर है कंट्री साइड, एकदम शांत, अच्छा मौसम। यहाँ का खेती है देखिए, कितना फर्टाइल लैंड लग रहा है। ट्रेन में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है खाने का। कितनी स्वीट सी बेबी है, मेरे को बार बार वो देख रही थी, मैं तुझे चलो एक वीडियो बना दूँ इसका। आज का दिन हमारा एकदम ख़राब हो गया, पूरा दिन ट्रेन और ट्रेन स्टेशन पे ही रह गए हम लोग। हाय, सो होल डे हमारा ट्रेन में ट्रैवलिंग, 5 आवर्स ट्रेन लेट के बावजूद भी हम लोग होटल आके फ्रेश होके, फिर राज इनवाइटेड हिज वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स इन जर्मनी, सो ही इज़ विद अस फॉर डिनर। सो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेट नाइट भी हो चुका हुआ है, वी आर टायर्ड ऑल्सो, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, बट ठीक है। लुक एट राज, cheers on good morning, काफी सुबह है यहाँ का और हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने।
सेक्शन कितना स्टाइलिश है। अमेजिंग व्यू फ्रॉम माई बालकनी। ब्यूटिफुल मॉर्निंग इन जर्मनी, ब्राइट सनी डे, आप देख सकते हैं। और हम और आज रेडी होके चल रहे हैं, जा रहे हैं वॉक करने के लिए, थोड़ा यहाँ का भी हवा पानी ले लिया जाए। ये एक छोटा सा शहर है, काइंड ऑफ विलेज, मॉडर्न एडवांस विलेज। और हम लोग यहाँ पे दो दिन शांति से रहने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूखा सा पेड़ है, बट उस पर पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन चारों तरफ हो गया है। छोटा सा मार्केट भी यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ठंड है कि मुझे वुलन मफलर और टोपी लेना पड़ा अपना ठंड से बचने के लिए। कुछ कितना भी पहन लो, ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इंजॉय भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बाहर घूमने निकले हुए हैं। हमारे अगर देश में रहेगा तो हम लोग तो लेके ही चले जाएंगे। ये ऐसे डेकोरेशन वाले में रखा हुआ है। और ये शहर में ना इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं, आई थिंक कि सारा ये जो छोटा सा जो विलेज है ना, इट्स ऑल अबाउट द ओल्ड पीपल्स। लॉन्ग लाइफ रहता होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्योरिटी एंड गुड एटमोसफेयर। इतना ठंड के हाथ भी बाहर नहीं निकालने का मन नहीं कर रहा। गाइस इतना ज़्यादा ठंडा लगा बाहर में कि हम लोग वापस अपने होटल के रूम में आ गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और अभी -2 है और हमारे एक फ्रेंड आ रहे हैं हम लोग को लेके जाने के लिए, घुमाने के लिए। सी द कलेक्शन ऑफ वाइन्स, दिस इज आवर फ्रेंड्स रेस्ट बॉटल, इट्स लुक अमेजिंग। Mr. Bros, we are really having a great time in your hotel. It looks amazing. The place is amazing. Food is amazing, and I really like this wine collection of yours. Although I don't drink, but still I can see the collection. हमारे friend आ गए हम लोग को pick करने के लिए, so I'll whole day courtesy by him. और हम लोग एक घंटे का लॉन्ग ड्राइव करते हुए, एकदम एडवेंचरस राइड था हमारा इस गाड़ी से। और हम लोग आ गए हैं जर्मनी में, एक जगह है, क्या नाम है राज? हागन। इतना टफ नाम है यार कि मैं अपने व्यूवर्स को बता भी नहीं पाती हूँ कि कौन से जगह पे हूँ एग्जैक्ट। हम लोग आ गए हैं अपने फ्रेंड के शॉप में। इट्स लुक लाइक ए डिज़ाइनर, स्टाइलिश जितना बोला जाए उतना ही कम है। क्या चीज़ नहीं है इनके शॉप में, आप देख सकते हैं चारों तरफ ओ फैंटास्टिक डेकोरेशन। ओ व्हाट दिस, इज दिस अ वाइन और व्हाट? हनी। ओ इट्स अ हनी, इट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम गोइंग टू बाय दिस, सी द वाइन कलेक्शन एज वेल। सुपर बिग साइज ऑफ चॉकलेट्स, this one of the biggest in Hungary. I think now I should shoot for his shop. The event was in September. September. Look at his ring. Wow.
इनका तो हर एक चीज ही अच्छा लग रहा है। One thing more I want to share about this shop. मैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी ट्रैवल की हूँ ना, इतना यूनिक, इतना विंटेज स्टाइल, मतलब ज़बरदस्त इस दुकान के अंदर क्या चीज़ नहीं है और सब कुछ यूनिक है। एंड राज फ्रेंड ही रियली वर्क्स वेरी हार्ड फॉर दिस इंटायर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ही टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब हमारे फ्रेंड की वाइफ भी आ गई है, अब हम लोग जा रहे हैं मस्ती करने। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्रिसमस का पूरा तैयारी यहाँ अच्छे से हो रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे हम लोग क्रिसमस मार्केट में आ गए हैं। इट्स लुक सो अमेजिंग। और मेरा स्माइल देखिए, वेदर, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ के लोग, यहाँ का शॉपिंग, इट्स क्रेजी। इतना ठंड में भी लोग बाहर आए हुए हैं, आप सोच सकते हो इंडिया में अगर इतना ठंड होना, लोग घर के अंदर रहेंगे, आवाज़ नहीं निकल पा रहा है। गाइस आप देखिए क्या टेक्नोलॉजी है, इन आर्ट है इन लोगों में। Oh my God! It's an old German story. Yeah. It's a German story. History for children. Okay. So these are the chocolates, specially made in Christmas times. All handmade. Make sure to buy some chocolates. London Eye is waiting for me. Khushi, I'm just coming soon. Guys, look at this. ये यहाँ पे क्रिसमस। Okay, you guys are in my vlog. Good. Vlog? Yeah. So this is the. राज अच्छा टाइम चल रहा है, राज का एंजॉय कर रहा है। Really? कितना भी ठंड हो, लोग बाहर निकले हुए हैं जरूर, क्योंकि क्रिसमस टाइम है, इन लोग का फेस्टिवल टाइम है। और हम लोग दिन भर घूमते फिरते आ गए हैं वापस अपने होटल और होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने। Yes, so definitely. Yeah. When you are definitely. Here. Thank you so much for having us and for lovely day and dinner and everything. No, this is very nice. Next time when I'm in Calcutta, I come to you. Yeah, definitely. So definitely, we'll wait for you. You have to. Okay, bye-bye. Take care. Bye. Good morning once again. So we are right now in Oberhausen. Oberhausen in Germany. It's very difficult to pronounce any name. और यहाँ आज का वेदर थोड़ा बेहतर लग रहा है हम लोग को, और हम लोग यहाँ से आज जाने वाले हैं हंगरी। अभी राज का एक फ्रेंड आने वाले हैं, हम लोग को रिसीव करके घुमाएंगे, फिराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, मस्ती कराएंगे, और फिर हम लोग को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम लोग हंगरी चले जाएंगे। सो आज जर्मनी का ब्लॉग आज यहीं तक रहेगा। रेस्ट ऑफ द जर्नी आई विल मेक अनदर टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय, टेक केयर, इन्जॉय। और हम लोग आ गए हैं बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट में।
और हम और आज जा रहे हैं बुडापेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. बाय, टेक केयर, एंजॉय.